अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान संधू और आज ये हमारा ट्रैवलिंग प्लान है अभी ट्रेन पे और लाहौर लाहौर से फिर जाएंगे हम इस्लामाबाद की तरफ और इस्लामाबाद से फिर आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह। इस्लामाबाद हमारी बाइक खड़ी हुई है, वहाँ से आगे बाइक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी फ़िलहाल यह अगर जो सफ़र है ये ट्रेन पे करते हैं। इस ट्रेन ने असल में सुबह के वक्त आना था लेकिन ये पटरी से उतर गई थी सिंध के अंदर, तो इसकी वजह से फिर ये लेट हो गई है। अब शाम को आई है 6 बजे। आज किस्मत हमारी ऐसा साथ दे रही है कि पहले तो ट्रेन आ नहीं रही थी कोई, अब आई है तो इसे अहमदपुर शर्किया में रोक दिया गया है। पीछे से 4 ट्रेनें हैं गुजर रही है, अब ये चौथी ट्रेन है। ये देखें, चेक करो भाई साहब, ये हमारी किस्मत है, 4 ट्रेनें गुजर चुकी है और ये हमारी जो है ये इधर ही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे भाई, 1.5 घंटे के बाद हमारी ट्रेन को भी चलने की फुर्सत मिल गई है। 1.5 घंटे के बाद हमारा नंबर भी आ गया, ट्रेन चलना शुरू हो गई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं पहुंच चुका हूं इस टाइम सरगोधा स्टेशन। सरगोधा स्टेशन भी इतना खास बड़ा नहीं है, सुबह सुबह का सूरज निकल रहा है अभी देखें, और यहां पे नाश्ता तो इतना खास मिल नहीं रहा। आगे चल के देखते हैं अगले स्टेशन पे। ये कोई सरगोधा स्टेशन का व्यू है, बस छोटा सा स्टेशन है, इतना बड़ा खास स्टेशन नहीं है। अभी मैं पहुंच चुका हूं फैसल मस्जिद में। ये मेरे पीछे देख सकते हैं आप, क्या माशाल्लाह खूबसूरत व्यू है। और गर्मी भी यहां पे वैसे ही लेवल की है, बहुत ज़्यादा गर्मी है अभी इस टाइम, और लोग भी बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। मस्जिद का बहरहाल क्या ही शानदार व्यू है, और दोनों तरफ मस्जिद के ये देखें बड़े बड़े पहाड़ दोनों तरफ साइड पर। यहाँ पर मस्जिद की टोटल डिटेल लगी हुई है, और ये फ्रंट वाली साइड पर व्यू है मस्जिद का। अभी मेरे पास ड्रोन नहीं है, ड्रोन होता तो बहुत ही प्यारा व्यू होता, ऊपर से भी व्यू लेते पहाड़ियों का, दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं ये देखें।